इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है, मैं पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रिजवान खान, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं इस वक्त एमए कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रमज़ान क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और रमज़ान का अर्थ क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मिलेंगी नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोज़ की। रमज़ान को जानने से पहले आपको इस्लाम के पांच स्तंभों को जानना बेहद ज़रूरी है। वो पांच स्तंभ क्या हैं? सबसे पहले है पहला कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। इस कलमे का अर्थ है अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है और पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा अरकान नमाज, इसे सलात भी कहते हैं। हर मुसलमान को दिन में पांच बार नमाज पढ़नी होती है, सुबह, तड़के, दोपहर, सूरज ढलने से पहले और सूरज ढलने के बाद रात को नमाज पढ़ना ज़रूरी है। फिर है ज़कात, ज़कात का मतलब है दान देना। चौथा अरकान है हज, हर मुसलमान के लिए हज यात्रा करना ज़रूरी है। जो मुसलमान इतना पैसा रखते हैं कि वो सऊदी अरब जाकर मक्का यात्रा कर सके, उनके जीवन में एक बार हज जाना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के इस महीने को बकरीद के महीने के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा स्तंभ है रोज़ा, रमज़ान के महीने में हर मुसलमान को रोज़ा रखना ज़रूरी होता है। सफ़र या किसी बीमारी के कारण रोज़ा ना रख पाने की छूट होती है। रमज़ान को इबादत का महीना कहा गया है, इसमें मुसलमानों को गुनाहों की माफ़ी के लिए मौका दिया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में नौवां महीना रमज़ान का महीना होता है। चांद के हिसाब से गिने जाने वाले इस कैलेंडर में 29 से 30 दिन होते हैं। इस हिसाब से हर साल करीब 10 दिन कम होकर अगला रमज़ान का महीना शुरू होता है।
मसलन इस साल 24 अप्रैल को शुरू हुए तो 10 दिन कम होने पर 2021 में 14 अप्रैल को यह पवित्र महीना शुरू हो सकता है। इस तरह हर साल 10 दिन का फर्क पड़ता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक सन 2 हिजरी में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को रोज़े फ़र्ज़ ज़रूरी किए गए। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक सन हिजरी 2 में अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को रोज़े फ़र्ज़ ज़रूरी किए गए हैं। इस महीने में शबे कद्र में अल्लाह ने कुरान जैसी नियमत दी, तब से मुस्लिम इस महीने में रोज़ा रखते आ रहे हैं। रोज़ेदार के लिए इस माह का लम्हा लम्हा नेकियों का है। माह रमज़ान मुबारक को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का यानी बख्शीश का, और आखिरी हिस्सा है जहन्नुम से निजात पाने का। अब इस महीने की विशेषताएं क्या होती हैं? रोज़े रखने वाले रोज़ेदार द्वारा सूर्योदय से पहले थोड़ा खाना खाया जाता है, जिसे शहरी कहते हैं। जबकि सूर्यास्त के बाद जब हम रोज़ा तोड़ते हैं यानी खाना खाते हैं, तो इसे इफ्तार कहा जाता है। अक्सर इफ्तारी के समय हम लोग खजूर खाकर रोज़ा तोड़ते हैं। रमज़ान का यह महीना ईद उल फितर से समाप्त होता है, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। इस महीने में हम लोग नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं और एक दूसरे को गले लगकर इसकी बधाई देते हैं। और जब हम वापस घर आते हैं तो हमने आसपास के घरों में जाकर लोगों से मिलना होता है और सिवई खाते हैं हम लोग। हर मुसलमान मर्द और औरत जो कि तंदुरुस्त हो, साल में एक माह का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब है कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है? इस्लाम धर्म में रमज़ान का महीना खुद पर नियंत्रण व संयम रखने का महीना होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा रोज़े रखने का मुख्य कारण गरीबों के दुखों और दर्द को समझना होता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमज़ान के महीने में रोज़े रखकर दुनिया में जितने भी गरीब हैं उनके दुख और दर्द को महसूस किया जाता है। रोज़े के दौरान संयम का तात्पर्य यह है कि हमें आँख, नाक, कान, जुबान का नियंत्रण करना होता है। इस दौरान हम ना तो बुरा सुन सकते हैं, ना बुरा बोल सकते हैं और ना ही बुरा एहसास कर सकते हैं। इस तरह रमज़ान के रोज़े मुस्लिम समुदाय को उसकी धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ने के साथ संयम रखना सिखाते हैं। रमज़ान के महीने में ज़कात करना बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान को साल भर उसकी ज़रूरत से अलग 52 तोला चांदी या उसके बराबर कैश का कीमती सामान है, उसका 2.30% ज़कात यानी दान के रूप में गरीबों को देना होता है। के दिन नमाज से पहले फित्र अदा करना होता है, जिसमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की कीमत की रकम को हमें गरीबों को दान में देना होता है। ईद के दिन हमें फित्र को नमाज से पहले निकालना होता है। फित्र में हमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत की रकम हमें गरीबों को देनी होती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद, और अगर आप मुझे भी रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर कहिएगा। आप मुझे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे, और इस बार हम 2020 का साल हमारे सब के लिए बहुत ही इम्तिहान का साल है, इसलिए सरकार के द्वारा दी गई जितनी भी गाइडलाइन है हम सभी उनका पालन करेंगे और एक दूसरे के साथ रमज़ान को सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big, big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.